स्टार्ट सर, एक आपने एक चीज बोली थी सेमिनार में कि सक्सेस कम फ्रॉम मोस्टली बैड एक्सपीरियंसेस। तो मेरा ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी काम है सक्सेस होने के लिए, तो उसके लिए क्या किसी काम में बैड एक्सपीरियंस होना जरूरी है? देखो, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी को बैड एक्सपीरियंसेस होंगे तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हुए, फेलियर्स हुए, वहाँ पे जा करके अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। सो माय आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या कुछ भी ख़राब हो रहा है आपके साथ में, तो उसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। वो आज नहीं दिखती, वो कुछ टाइम बाद समझ आती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसे 50 एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको उठा करके देखूं, अगर उसमें से एक भी मुझे नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से। सो ये जो चीज़ है उस टाइम पे नहीं समझ आएगी। आज आपको एकदम से खराब एक्सपीरियंस हुआ, आज मैं आपको आकर ये बात कहूँगा, आपको यार ये तो ज्ञान है, बट 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप उस टाइम पे समझ जाओगे कि नहीं यार ये ऐसा कुछ है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कभी ना कभी समझ आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर कभी कोई बैड एक्सपीरियंसेस हो आपको, या कोई फेलियर्स हो या कुछ भी हो, तो उसको सोच करके ना ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आता भी ये थॉट तो आए, उसको जाने दो, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि अच्छा है मेरे साथ में ये हुआ। आज नहीं समझ आ रहा कि क्यों अच्छा है, दुनिया भी देखे गई यार इसमें क्या अच्छा है, बट जब समझ आएगा देन यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि हाँ, आई वॉज द चोजन वन बिकॉज ऑफ विच मेरे साथ में ये हुआ। देखिए सर, आजकल जैसे दिल्ली में आसपास 5-5 साल के बच्चों के साथ जो हो रहा है, उसमें क्या किसका भला है ये मुझे, बाकी मुझे बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती है तो मुझे नहीं लगता है करने वाले का भला हो रहा है या जो जिनके साथ विक्टिम है उनका क्या भला हो रहा है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आज अगर हमको कहीं पे दर्द होता है, तो अगर हमको दर्द होता है ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही करता था, जैसे ही मेरे कुछ दर्द हुआ, सपोज गला खराब हुआ, मेरे गले की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, या थोड़ा सा जुखाम हुआ, तो मैं इरिटेट हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, यार फिर से खराब हो गया, अब 4 दिन तक खराब रहेगा या 5 दिन तक खराब रहेगा, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे पेट दर्द हुआ, तो मैं एकदम वो हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, या कोई भी प्रॉब्लम हुई। नाउ आई नो इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अगर हम बॉडी को समझेंगे कि वो सिग्नल दे रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, हम क्या कर रहे हैं, गोली खा के उसको दबा रहे हैं, है ना, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को ट्रीट कर रही है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा के इंटरनल, और उसको ठीक कर रही है, क्लीन कर रही है, और हम उस क्लीनिंग को बीच में ही रोक देते हैं गोली खिला खिला करके। तो अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है आज, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो गड़बड़ क्या है। पहले रिएक्शन में हम सबको गुस्सा आता है, हम देखते हैं, इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग माई कलरफुल इंटरेक्शन, उसमें आई वॉज इन दैट जोन कि जहाँ पर जा करके, अभी जैसे आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग इन द एग्जैक्ट सेम लाइन, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में, यहाँ पे, वहाँ पे, हर जगह वही सब आ रहा था, रेप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एंगर अंदर से, फ्रस्ट्रेशन, नफरत इतनी बढ़ गई कि इनके साथ ये कर देना चाहिए, इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। देन व्हेन आई वेंट इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दैट, और मैंने जा करके अपने अंदर जा करके देखा, तो मुझे समझ आया कि रेपिस एक्चुअल में है कौन, वो है या हम लोग हैं, और वो किस तरीके से हैं। आप ये सोचो कि एक बच्चा है जो स्कूल में जाते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने बच्चे जाते हैं, देखिए लाखों करोड़ों बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया में। आज भी आप गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दो, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को मारा जाता है। मतलब थप्पड़ उप्पड़ मारना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं हो रही, बट अनऑफिशियली सब कुछ हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है आज के टाइम में भी, और गवर्नमेंट स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दे स्लैपिंग किड्स लाइक एनीथिंग। तो आप ये सोचो कि अगर एक बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी टीचर ने जा करके मारा, थप्पड़ मारा, और उसका कान का सुनने का वो ख़त्म हो गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आपने न्यूज़ में देखी होंगी। बस ये है कि इन सब न्यूज़ को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, हम सोचते हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ ना, बट उस बच्चे की जिसकी रोज़ पिटाई हो रही है, और वो टीचर जो ये काम कर रही है, जो टीचर अपने आप को रेपिस्ट नहीं समझती या नहीं समझता, उसने क्या किया, उस बच्चे को इतनी नफरत दी, उस बच्चे की वो हालत कर दी कि उसको उस टीचर से नफरत हो गई, उसको अपने पेरेंट्स से नफरत हो गई, उसको पूरी सोसाइटी से नफरत हो गई। उसको जब वो चीज़ पड़ी और उसका एक एक कान से उसको सुनना बंद हो गया, तो वो हैंडीकैप्ड हो गया ना। और किसकी वजह से, उस हमारी वजह से, इसी सोसाइटी की वजह से, जिसको हम अच्छा मानते हैं और जिन रेपिस को हम बुरा मानते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर के रेपिस बन गया। तो अब गलती किसकी है? हाँ, उस बच्चे की है जो बच्चा बिल्कुल मासूम था हमारे जैसा,
या हम लोगों की है, हमारी सोसाइटी की है, या सोसाइटी को भी छोड़ो यार, हमारी अपनी है जो हमने ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो ये शेप ले ली इन चीज़ों की। हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर अगर मच्छर है ना तो हम मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसा कुछ ऐसा करें कि मच्छर काटना बंद कर दें, हाँ मच्छरों को किसी तरीके से मार दिया जाए, मच्छरों को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जिस गटर से वो मच्छर आ रहे हैं वो गटर हम सबके अंदर है। चाहे कोई भी क्राइम हो किसी भी तरीके का, मतलब यू कैन रीड इट एनीवेयर, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि जो भी क्रिमिनल्स हैं किसी भी तरीके के, उनका आप चाइल्डहुड उठा करके देख लो, दैट्स लाइक अ नाइटमेयर। जो 20 साल पहले हुआ है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, आप एक को मारोगे दो आ जाएंगे, दो को मारोगे चार आ जाएंगे, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि आज जो 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 बीज हम बो रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो जो 20 साल बाद निकलने वाले हैं, आने वाले हैं सोसाइटी में, वो कैसे होंगे, वो हमारे हाथ में, दैट इज इन आवर हैंड्स, वो सब हमारे हाथ में है।